स्टैंडर्ड 7 हिंदी व्याकरण परिचय। बच्चों आशा है आप कुशल मंगल होंगे। आइए इसी कुशलता के साथ आज हम बोली के विषय में अध्ययन करेंगे। बोली क्या है? बोली मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, यानी भाषा का प्रारंभिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है और इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। आगे चलकर ये बदल जाता है। एक बड़े भूभाग में प्रयुक्त होने वाली भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं जिन्हें बोली कहते हैं। इसमें लिखित साहित्य नहीं होता। कई बार बोली विकसित होकर लोकगीत, लोक कथा आदि विभिन्न रूपों में की गई रचनाओं के माध्यम से भी सामने आती है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। ब्रज, अवधी, मैथिली बोलियां विकसित होकर साहित्यिक भाषाएं बन गई हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। पश्चिम में हरियाणवी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, बुंदेली और खड़ी बोली बोली जाती है। पूर्व में छत्तीसगढ़ी, बघेली, मैथिली, अवधी और भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है तथा दक्षिण में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। पाठ को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम लिपि के विषय में पढ़ेंगे। ये लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मतलब जिस रूप या तरीके से हम भाषा को लिखते हैं वही लिपि है। हिंदी के लिखने की विधि देवनागरी लिपि कहलाती है, जो हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दुनिया की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ कुछ लिपियों के नाम दिए गए हैं और इनसे लिखी जाने वाली भाषाओं के नाम। जैसे देवनागरी लिपि से हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी से पंजाबी भाषा, रोमन लिपि से अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच भाषा, फारसी लिपि से उर्दू भाषा, बांग्ला लिपि से बांग्ला भाषा, चित्र लिपि से चीनी भाषा एवं श्रीलिखित लिपि से रूसी भाषा लिखी जाती है। आइए अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पहले मुझे ये बताइए कि भाषा पहले बनी या व्याकरण? भाषा पहले बनी, बिल्कुल सही। व्याकरण के बिना हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए बच्चों भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण में भाषा के शुद्ध व्यवहार के नियम होते हैं। नियमों की निश्चित व्यवस्था ही व्याकरण है। व्याकरण के मुख्य अंग, व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के भेद, उच्चारण तथा उनके मिलाने की प्रक्रिया बताई जाती है। दूसरा शब्द विचार, जिसमें शब्दों के भेद, रूप आदि बताए जाते हैं। तथा तीसरा वाक्य विचार, जिसमें वाक्य बनाने, वाक्य के भेद और अलग करने की प्रक्रिया बताई जाती है। इसी के साथ हमारा यह पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए हम प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के प्रश्न। क्वेश्चन 1, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर, पहले लिपि, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण, जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। का, भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। खा, भाषा द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। गा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जाती है। घा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अंगा, हिंदी भाषा की लिपि
देवनागरी लिपि है। च लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। छ भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, भाषाओं का उनकी लिपियों के साथ मिलान कीजिए। गुजराती देवनागरी लिपि, चीनी भाषा चित्रलिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, जर्मन भाषा रोमन लिपि। क्वेश्चन 5, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए और सही या गलत का निशान लगाइए। का नंबर, भाषा के चार रूप होते हैं, गलत है। ख, पुस्तक पढ़ना लिखित भाषा का उदाहरण है, सही। ग, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, सही। घ, भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, नहीं होता है, गलत। ग, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, सही। च, जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ या परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, सही। च, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, सही। क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा मानक भाषा किसे कहते हैं। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। मानक भाषा विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा का स्वीकृत रूप ही मानक भाषा है जिसका प्रयोग रेडियो और दूरदर्शन आदि में होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आप ये प्रश्नोत्तर समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा यह पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।